एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं भी उसे याद क्यों करूं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कसमों, वादों और पैसों की जरूरत नहीं है, बस उसे निभाने के लिए दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक जो भरोसा कर सके और दूसरा जो उसे समझ सके। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं कितनी बदनसीब हूं, हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। तब दौलत ने दर्द से कहा, खुश नसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद तो रखते हैं, बदनसीब तो मैं हूं जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। आपकी खुशी में आपके साथ वो होगा जिसे आप अपना मानते हैं, पर आपके गम में सिर्फ वही आपके साथ होगा जो आपको अपना मानता है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों लोहे की हथौड़ी से पिटते हैं, लेकिन तुम चिल्लाते क्यों? लोहे ने सोने से कहा, जब अपना ही अपने को मारता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। कहते हैं शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब शब्द काटते हैं तब दर्द बहुत होता है, और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं होते। अगर लोग केवल जरूरत पड़ने पर आपको याद करते हैं तो उनका बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद तब आती है जब अंधकार होता है। जीवन में तीन तरह के लोगों को कभी मत भूलना, पहले जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया हो, दूसरे जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपको छोड़ दिया हो, और तीसरे जिन्होंने आपको मुश्किल में डाला हो। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो अपना अच्छा वक्त दीजिए, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, पर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में ताने मारना, मजाक उड़ाना या कमी निकालना। ऐसे लोगों की बातों से परेशान मत होइए, बस एक बात ध्यान रखिए, बिच्छू का व्यवहार हमेशा डंक मारना। कई लोग बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझते तो आप परेशान मत होइए। आप भैंस को कितना भी नहला दो, कुछ देर बाद उसे बैठना कीचड़ में ही। लोग कहते हैं दुनिया में बहुत गंदगी है, अब जीना मुश्किल है। हम कहते हैं एक बार कमल को देखकर आओ, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। किसी के कुछ कहने या करने से आपको बहुत गुस्सा आ जाता है तो आपको सतर्क होना पड़ेगा, इसका मतलब है आपका खुद पर कंट्रोल खत्म हो गया है। अगर आप किसी को कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकते तो सिर्फ एक काम करें, कृपया 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 शांत रहें। दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू होता है, जिसमें 1% पानी और 99% फीलिंग्स होती है। एक जोकर ने लोगों को एक जोक सुनाया, सब लोग बहुत हंसे। उसने वही जोक दोबारा सुनाया, कम लोग हंसे। उसने वही जोक फिर सुनाया तो कोई नहीं हंसा। फिर उसने एक बहुत प्यारी सी बात बोली, अगर आप लोग एक खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो एक गम को लेकर बार बार रोते क्यों? दिन भर काम करने के बाद बेटा पूछता है क्या लाए हो, बीवी पूछती है कितना बचाया, पापा पूछते हैं कितना कमाया, लेकिन एक माँ ही है जो ये पूछती है, बेटा कुछ खाया? जीवन में आपसे कौन मिलेगा समय तय करता है, जीवन में आप किसे चाहते हैं आपका दिल तय करता है, जीवन में कौन आपके साथ बना रहेगा
यह आपका व्यवहार तय करता है। जब से मुझे ये यकीन हो गया ऊपर वाला मेरे साथ है, मैंने इस बात की परवाह करना छोड़ दिया कि कौन कौन मेरे खिलाफ है।